नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा अनबॉक्सिंग ली मैक्स 2 ग्रे कलर। जी हाँ, ये अमेजोन से मैंने मंगाया है। इसमें भी स्नैपड्रैगन 820 है। ये पहले रोज गोल्ड कलर में अवेलेबल था, अब ये ग्रे कलर में आने लग गया है। तो इसका जो प्राइस है अभी अंडर 18K है, 17-18 हज़ार में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ऑफलाइन मार्केट में ये प्रोडक्ट बंद हो चुका है, खाली ऑनलाइन ही मिलेगा आपको। तो देख लेते हैं, इसके अंदर बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, LE2X81 मॉडल नंबर है, कलर ग्रे। इसका जरा ओपनिंग करते हैं इस प्रकार। ये देखिए दोस्तों, ये हैंडसेट है, साथ में इसके कवर दिया हुआ है। कवर को निकाल के देखते हैं। जी हाँ, इसमें 21 मेगापिक्सल का सोनी का IMX230 सेंसर दिया हुआ है। जी हाँ, सोनी का IMX230 सेंसर, जो कि 2014-15 के अंदर जो भी फ्लैगशिप फोन आए थे उनके अंदर यूज किया हुआ था कंपनी ने। हर कंपनी इसी को यूज कर रही थी, जैसे कि अब IMX298 जो OnePlus 3 यूज करती है, उसी प्रकार ये सेंसर भी 14-15 में सब लोग यूज कर रहे थे। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है, इसको कंपेयर करेंगे OnePlus 3 से। अच्छा, काफी लोगों की मुझे कंप्लेन आई है कि ली मैक्स 2 के फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हम जानेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस प्रकार की प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है। चलिए और देखते हैं इसके अंदर बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, क्या क्या बॉक्स में दिया हुआ है। जी हाँ, LE2 का ये फास्ट चार्जर होना चाहिए बिल्कुल। जी हाँ, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट पे चलता है, 2.7 एम्पियर, और 12 वोल्ट पे चलता है 2.0 एम्पियर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये फास्ट चार्जर है, USB टाइप सी है, और ये आपका जो हेडफोन जैक इसमें नहीं है, उसका कन्वर्टर है, Type-C to हेडफोन जैक कन्वर्टर। बाकी का दोस्तों मैं आपको इसका क्योंकि काफ़ी कंप्लेन मुझे सुनने में आई है कि फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह इसका प्रॉपरली वर्क नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसका डिस्प्ले जो है 5.7 इंच का है, 2K डिस्प्ले है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 में लगा हुआ है। 4GB रैम है इसके अंदर और 3100mAh की बैटरी है। तो अब ये OnePlus 3 के बाद दूसरा सबसे सस्ता डिवाइस है, जो कि OnePlus 3 से लगभग आधी कीमत में मिल जाता है। एक डिवाइस हो रहा है Z2 Plus, लेकिन उसका डिस्प्ले छोटा है, 5 इंच का, और बेसिकली 2K डिस्प्ले वाला यही फ़ोन है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि इस प्राइस में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो क्या है। चलिए आगे का आपको दिखाता हूँ। अभी हमने इस फ़ोन को दोस्तों अभी ऑन किया है, अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा वर्जन मिलता है हमें एंड्रॉयड का। फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स कई लोगों से मैंने रिव्यूज़ में देखा है। तो अभी इसका हाल ही में एक सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया है लीक होने, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसका, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें सारी जो प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट की और जो भी इसकी कैमरा सेंसर की प्रॉब्लम थी, सब दूर कर दी गई है, जिसको कि मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा जल्दी। देखिए डॉक्टर, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 6.0.01 है। अब इसको मैं आपको पूरा रिव्यू करके इसको इसका कैमरे का कंपैरिजन OnePlus 3 से नूबिया से करके आपको बताऊंगा जल्दी। इसका डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।